अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आया हूँ तालीमी बाग नॉर्थ नाज़ाबाद। जी हाँ, आपने सही सुना, तालीमी बाग नॉर्थ नाज़ाबाद में। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे के काफ़ी बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पे आई हुई है, और देखते हैं कि यहाँ पे किस किस तरह के झूले वगैरह हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह की और चीज़ें जो है मिलती रहें। कुछ स्टार्टिंग के जो है झूले वगैरह हैं, जंपिंग कैसल हो गया और ट्रैम्पलिन हो गया, ये तो हर पार्क वगैरह में ही होते हैं, बट यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं, चलें वो दिखाते हैं आपको। साइड आप इस बोट में पूरे लेक का जो है चक्कर लगा के आ सकते हैं। काफ़ी जो है रिलैक्सिंग है ये, अगर देखा जाए एक तरह से, क्योंकि पानी है और शोर शराबा यहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी। और आप अगर फैमिली के साथ हैं तो 4 सीटर बोट है ये, तो आप दो और आपके बच्चे वगैरह या फिर कोई फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं, वो भी साथ आ सकते हैं आपके। और ये सॉफ्ट प्ले एरिया, यानी कि छोटे बच्चे अगर आपके साथ हैं तो उनको यहाँ पर आप जो है खिलवा सकते हैं। यहाँ पे बॉल पेट वगैरह हैं, स्लाइड्स हैं छोटे बच्चों के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, यानी कि ये किड्स सेक्शन कह सकते हैं आप। वो है हॉन्टेड हाउस भी है, हाउस ऑफ नन के नाम से, जैसे कि देख सकते हैं। और हो सकता है आपको साउंड भी आ रही है अंदर से नन्स वगैरह की। ये कार्निवल गेम्स हैं, कराची कार्निवल गेम्स के नाम से है। यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, बॉटल्स वगैरह को शूट करना है, हुप्स में जो है हुप्स डालने हैं बॉटल्स वगैरह में, काफ़ी सारे यहाँ पे गेम्स वगैरह हैं। यहाँ पे मिनी ज़ू भी है, यानी कि अंदर पेटिंग एनिमल्स वगैरह भी हैं, काफ़ी सारे एनिमल्स हैं अंदर जिनको आप जो है पेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्नैक्स हैं और पिकॉक्स वगैरह हैं, डक्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, गोट्स हैं, काफ़ी सारे एनिमल्स हैं। अगर आप यहाँ पे आके चाहते हैं कि हम भी एनिमल्स को देखें, उनको पेट करें जैसे वाइल्ड लाइफ में होते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल आप आएँ। यहाँ पर ट्रेन राइड भी है, अगर आपको ट्रेन राइड करनी है यानी कि बच्चों को करवानी है तो यहाँ पे आप आके वो भी कर सकते हैं, ट्रेन राइड भी है यहाँ पर। और यहाँ पे स्विमिंग पूल भी अवेलेबल है, अगर आपको आना है, गर्मी वगैरह लग रही है आपको काफ़ी और जो आप चाहते हैं कि स्विमिंग पूल जाएँ, तो यहाँ पे स्विमिंग पूल भी अवेलेबल है। दिन के टाइम आएँ, धूप के दोपहर के टाइम, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये इंडोर गेम्स हैं, जैसे आपने देखा था सॉफ्ट प्ले एरिया, ये उसी तरह का इन्होंने बनाया हुआ है, पर ये इंडोर गेम्स के लिए है। यहाँ पे काफ़ी सारे गेम्स वगैरह हैं, शूटिंग गेम्स हो गए, रेसिंग गेम्स हो गए, काफ़ी सारे यहाँ पे क्लॉ मशीन वगैरह भी हैं। स्पीड एक्स के नाम से यहाँ पे रेस ट्रैक पे कह लें वो है, यहाँ पे दो जो है यहाँ पे कॉर्ड्स हैं, यानी कि जो छोटी मोटर बाइक्स होती हैं वो यहाँ पे दो हैं, एक ये रेड कलर में जो ये बच्चा अभी चलाएगा और ये एक येलो वाली। तो यहाँ पे ये भाई इस बच्चे को हेल्प कर रहे हैं ये चलाने में, पर अगर थोड़ा बड़ा कोई हो तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे चलाने में, बिल्कुल इजीली चला सकता है वो, क्योंकि एक नॉर्मल बाइक की तरह है ये, है 4 व्हील की पर नॉर्मल 2 व्हील की तरह ही जो ड्राइव होती है ये। पार्क में भी जो है डायनासोर्स वगैरह हैं, जुरासिक पार्क के नाम से, और इस पार्क की जो मेन अट्रैक्शन है एक तरह से कह लें वो यही है, जुरासिक पार्क। जैसे आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था कि सफारी पार्क में हम गए थे, डाइनो सफारी पार्क में, वहाँ पे डायनासोर वगैरह थे, ये भी सेम उसी की तरह है। पूरा पार्क घूम घूम के थक जाए, आपको खाने की भूख लगे तो यहाँ पे खाने का रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है, खाने का रेस्टोरेंट और उसके साथ आइसक्रीम भी अवेलेबल है। अगर आपको भूख लग रही हो आइसक्रीम की, तो आइसक्रीम भी खा सकते हैं, और अगर खाना वगैरह आपने खाना है तो वो भी यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है काफ़ी अच्छा इनका खाना वगैरह भी है और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में भी है। द वीडियो इज़ गोइंग टू एंड राइट हेयर, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट करें अपना फेवरेट पार्ट वीडियो से कि आपको कौन सी जगह यहाँ से पसंद आई। जैसे हॉरर हाउस था, हॉन्टेड हाउस जो होता है यहाँ पे, जुरासिक पार्क भी था, जैसे सफारी पार्क में डायनो सफारी पार्क बनाया उस तरह का जुरासिक पार्क इन्होंने यहाँ पे बनाए। इंडोर गेम्स हैं, बच्चों के लिए सॉफ्ट प्ले एरिया है,